हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये पैकेज है, इसे ओपन करते हैं। आज इसमें जो है मैंने बस उसका ना पिक्चर देखा हुआ है। लेट्स सी वो इन हैंड कैसे दिखता है। वेल, आपको थंबनेल से पता चल गया ही होगा इसमें क्या है। इसमें पोकेमोन कार्ड नहीं है, वो ऐसा करते हैं मतलब हमको रिवील नहीं होगा। ओके, सो रेडी गाइस, रुको रुको, इसको इसमें से भी बाहर निकालते हैं। रेडी, 3, 2, 1। ओ वाह, यार ये बहुत सही दिख रहा है। वाह, गाइस जस्ट लुक एट दिस। यार ये बहुत सही है, जैसा मुझे चाहिए था उससे बेटर है ये। वाह, सो गाइस मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने ये क्यों ख़रीदा और ये स्पेसिफिक ऐसा ड्राइंग क्यों करवाया है। तो इसकी बैक स्टोरी ऐसे है कि यार हमने बहुत सारे पोकेमोन के एपिसोड्स देखे हैं, पूरा सीरीज सबने देखा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेम्स हैं जो यार दिल को छू जाते हैं बहुत। तो मेरे लिए उसमें से ये एक फ्रेम है, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स हैं पर ये सच में यार बहुत बुरा लगा था जब ये ऐश ने पिजियॉट को छोड़ दिया था। और जब मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सा, क्या बोलते हैं ना, कौन सा फ्रेम पेंट करवाना है, तो 2-3 ऑप्शंस थे पर मुझे ये सबसे बेटर लगा क्योंकि ये एक फ्रेम पूरा स्टोरी बता रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऐश, मिस्टी, ब्रॉक है और ऐश ने पिजियॉट को अलविदा कह दिया है। और यार किसको पता था पिजियॉट को रिटर्न आने में इतने साल लग जाएंगे। आई थिंक पिजियॉट रिटर्न आया है पोकेमोन जर्नीज में, मैंने देखा नहीं है एपिसोड, पर अगर आपको पता है कि कंफर्म आया है नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ। एंड यस गाइस, वन मोर थिंग, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके टॉप 3 ऐसे सीन्स या ऐसा फ्रेम कौन सा है जो आपको आज भी देख कर बहुत बुरा लगता है। मेरा तो ये वन ऑफ देम है, तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट में कि आपके ऐसे कौन से फ्रेम्स हैं। एंड गाइज, यू शाउट आउट टू अभिप्सा, ये उन्होंने पेंट किया हुआ है, तो अगर आपको भी ऐसी कोई पेंटिंग करवानी है तो मैं उनके इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।